आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बेतिया से है, जहां दहेज के लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता की गला घोटकर की हत्या। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फुलवरिया टोला वार्ड नंबर 1 की है, जहां एक विवाहिता की हत्या उसके ससुराल वालों ने कर दी। 3 वर्षों पहले अमीना खातून की शादी आजाद आलम से हुई थी। शादी के 2 माह बाद ही से ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे, जिसको लेकर कई बार पंचायत भी की गई। 13 मई को मुफस्सिल थाना में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने के लिए पहुंची थी विवाहिता। अमीना खातून गांव के मुखिया सरपंच के द्वारा मामले को फिर से एक बार माफीनामा के द्वारा सुलह करा दी गई। ससुराल वालों को ये मंजूर नहीं था और वो लगातार पैसे की मांग कर रहे थे और पूरे ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या की और फरार हो गए। गांव के लोगों के द्वारा सूचना मिली तो मृतक के परिजन पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बेतिया GMCH पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार लड़की के ससुराल वाले दहेज में 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, नहीं देने पर पैसे के लिए विवाहिता को मौत के घाट उतारा। दहेज में आप क्या क्या दिए थे जब लड़की का शादी किए थे? तो दहेज में सुपर स्प्लेंडर बाइक, उसमें हमारा रसीद और बहन का भी नाम है, और जितना जथा संभव पैसा था पैसा भी दे गया। फर्नीचर कपड़ा लाता वगैरह 5 लाख का सामान दिया। 5-6 लाख का लगभग। आप इतना देने के बाद भी फिर मैंने वो लोग 4 लाख रुपया का डिमांड रखे थे। इधर बीटीसी में हम चुनाव जीत गए हैं जी, तब से उन लोग को आयदम जो तुम्हारा भाई पैसा लाओ हो गया है, पैसा लाओ घर ढलवाने के लिए, नहीं तो नहीं रख। यानी आप समिति के सदस्य मैंने जीते हुए हैं? अच्छा, तब वो लोग मैंने जब जाने की आपके पास पैसा हो गया है तो यानी वो लोग डिमांड किए कि हमको 4 लाख रुपया चाहिए घर बनवाना है। नहीं तो नहीं रखेंगे, दूसरा शादी करेंगे। दूसरा शादी करेंगे? और ये दूसरा शादी करने की वजह से मैंने ननिहाल थी मायके में न भेज करके वो लोग मैंने गला दबा कर मार दिए है ना। अच्छा ठीक है, ये देखिए 2 तारीख का पंचायती भी हुआ था। 2 तारीख का पंचायती हुआ था, जनामा हुआ, वहाँ के कुछ रिश्तेदार वहाँ के ग्रामीण थे, उन लोग को बहुत समझाए ये सब अच्छी बात नहीं है, उन लोग माफ़ी वाफी मांगे, ऐसा घटना चाहे डिमांड नहीं करेंगे। 8 दिन का 7 दिन का अंदर मार दिए। आपका नाम क्या पड़ेगा? हाशिम जी। आपकी बच्ची का नाम क्या है? अमीना। अमीना खातून। अच्छा, ये बताइए अमीना खातून की मृत्यु कैसे हुई, माने उनकी मौत कैसे हुई? गला दबा कर मारा गया है दहेज के लिए। दहेज के लिए गला दबा कर मारा गया है। 2 साल से वो मांग रहा है पैसा, जो घर डलवाने के अपने बाप से पैसा मांग रहा है। तो दहेज में कौन कौन सी मांग कर रहे थे उनके ससुराल वाले लोग? सोना सिकड़ी मांग रहा था, 4 लाख रुपए मांग रहा है। 4 लाख रुपए मांग रहा है घर डलवाने के लिए। तो पहले सब लड़की क्या बोल रही थी? बच्ची है कि बच्चा है? लड़का है, 2.5 वर्ष का है। अच्छा ये बताइए, आप थाना पर एप्लीकेशन दिए हैं इस मामले में कि हमारी लड़की को वो लोग मैंने मार दिए हैं मौत के करीब, तो थाना प्रभारी क्या बोले हैं? हो चुका है, लड़का दिया है। दिया है लड़का? अच्छा, यानी आप पोस्टमार्टम कराए हैं? अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।